Hello students, how are you all? Good? Yes? So where we left yesterday? Today is 7th July and now come to the same chapter, that is Rip Van Winkle. Class 6, we have done till page number 14. First para. Till first para we have done, right? Any problem? No? So let's begin. Page number 14. Now, he woke up at the place where he met the strange man. Yesterday we have done that we come to know about Rip Van Winkle, that he went to the mountain and he stayed there, and then he just saw that those people and those dwarfs who were playing, dwarfs means small people, small height people, they were playing skittles, and then he drank their liquor and then he got drunk and slept down there. After that, now we will start from today. After that, he woke up at the place where he met the strange man. वो उसी जगह पे उठा जहाँ पे उसने उन लोगों से मिला था, मतलब जहाँ पे वो strange लोगों से मिला था, ठीक है? It was a sunny morning, means अब वो सुबह जब उठा तो उसने देखा कि बहुत धूप निकली हुई है. Rip thought that it was all a dream. अब वो नींद में उठा, उसने देखा सुबह हो गई है, अब उसको लगा कि जो भी कल जैसे उसके साथ एक्चुअल में हुआ था कि वो मतलब उसने मिला इतने ऐसे ऐसे लोगों से, स्ट्रेंज लोगों से, और उसके बाद उसने ड्रिंक किया एंड देन वो सो गया, तो उसको लगा कि मैं सो रहा था और ये सब कुछ मेरे सपने में आया था. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग कंफ्यूज ना होना कि ये किस सनी मॉर्निंग ड्रीम पूछते हैं ना क्वेश्चन में, समटाइम्स वी आस्क कि ड्रीम क्या था. ड्रीम यही था, उसने जो सोचा कि ड्रीम वो था जो वो एक्चुअल में मिला था. मींस रिप वैन विंकल जब उठा तो उसने देखा मॉर्निंग हो रही है और उसको लगा कि जो एक्चुअल में उसके साथ हो चुका है ना यस्टरडे, कि वो वहां ऐसे ऐसे लोगों से मिला था, उसने ड्रिंक की, वो सो गया, उनके साथ खेला वगैरह वगैरह, वो सब उसको लगा कि वो सब ड्रीम था जब वो उठा नेक्स्ट मॉर्निंग, राइट. ही स्ट्रेच्ड हिज आर्म टू टेक हिज राइफल. अब जैसे हम उठते हैं ना सुबह मॉर्निंग में ऐसे करते हैं लाइक दिस ना, तो वो उसने भी अपनी आर्म स्ट्रेच की एंड देन वो अपनी राइफल ढूंढने लगा, क्योंकि वो हंटिंग पे जाता था माउंटेन्स पे, तो वो राइफल लेकर जाता होगा ना जिससे हंट करते हैं एनिमल्स को, तो वो ढूंढने लगा. बट इट वॉज ओल्ड एंड रस्टी, वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, और रस्टी मीन्स जंक लग जाना, राइट. ग्लॉसरी में आप देख सकते हैं रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन मेटल, मेटल में मतलब ब्राउन ब्राउन सी, रेड रेड सी हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी, जंक जिसे हिंदी में बोलते हैं जंक लग जाना. देन हिज डॉग वॉल्फ वॉज नॉट देयर, उसका जो डॉग था वॉल्फ वो भी वहां नहीं था. अब ये सब क्या हुआ, वो तो उसको तो ये लगा कि यस्टरडे मैं यहाँ पे आया, उसको तो ये लगा कि ये सब ड्रीम था, कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला, मैंने ड्रीम किया, मैं सो गया. अब वो उठा है तो उसने देखा ना उसकी राइफल है, मतलब राइफल है बट बहुत ओल्ड और रस्सी है, और ना उसका डॉग है वॉल्फ. देन द ओल्ड मैन स्टोल माई राइफल, वो सोचने लगा कि वो जो बूढ़े लोग थे ना, बूढ़े लोग कौन, द ओल्ड मैन रेफर्स टू हेयर, यस दोज ड्वार्फ्स, दोज स्मॉल हाइट पीपल. थॉट रिप, रिप सोचने लगा कि वो जो ओल्ड मैन आए थे ना, वो जो स्ट्रेंजर्स मुझे मिले थे, उन्होंने मेरी राइफल चोरी कर ली. ही स्टूड अप एंड वेंट डाउन टू द विलेज, वो उठा और फिर उसके बाद नीचे विलेज की तरफ जाने लगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है, जस्ट बी केयरफुल विद दिस. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं. ये पूरे चैप्टर में से कुछ कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती जाऊंगी. ऑलराइट, देन द वे वॉज वेरी डिफरेंट. अब जो रास्ता था, जिस वो रास्ते से वो आया था वो अलग था, अब जब वो जा रहा है अब उसको बहुत डिफरेंट लग रहा है कि ये तो अलग रास्ता लग रहा है. ही गॉट बैक टू द विलेज विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, वो वापस तो चला गया अपने गांव अपने विलेज में, बट बहुत डिफिकल्टी के साथ पहुंचा था.
when he reached there, जब वो वहां पहुंचा, he saw that the people in the village were strange. जब वो वहां अपने गांव वापस गया, उसने देखा कि जो लोग थे, the people were strange, means जो पहले लोग थे वो नहीं है, अब कोई और लोग हैं. He didn't recognize them. What do you mean by recognize? रोस्ट्री में देख सकते हैं, no. K-N-O-W, no. Recognize means पहचानना, किसी को जानना या ना जानना. Recognize मतलब पहचानना. Recognize means no. K-N-O-W means no. इसको हम प्रोनाउंसिएशन ऐसे करते हैं, no. ठीक है, तो अब उसने उनको पहचाना ही नहीं. It was difficult for him to find his own house. उसके लिए इतना difficult हो गया था उस वहाँ पे village में जाके कि वो अपना ही घर नहीं ढूंढ पा रहा था. Finally he got there. उसको फिर मिल गया अपना घर. But the house was very old. अब घर इतना पुराना हो चुका था. The roof had holes in it. यानी कि holes, H-O-L-E-S means छेद. छत, रूफ यानी कि छत पे बहुत छेद हो गए थे, मतलब बहुत होल्स हो गए थे उसमें. द विंडोज वर ब्रोकन, जो भी खिड़कियां विंडोज थी वो सब टूट चुकी थी. द डोर वॉज ओपन, दरवाजा खुला था. देयर वॉज एन ओल्ड डॉग, वहां पे बहुत पुराना डॉग था. बट इट वॉज नॉट हिज डॉग, इट वॉजेंट हिज डॉग मीन्स, बट वो उसका डॉग नहीं था. जो उसका डॉग कौन सा था, वॉल्फ था. अब उसने देखा वो घर तो जहां मिला वो गया, बड़ी मुश्किल से अपना घर ढूंढा उसने, फाइनली मिल गया, बट वो घर उसका नहीं था. वो मतलब था वही लेकिन बहुत पुराना था, इतना पुराना हो चुका था, विंडोज टूट चुकी थी, रूफ में होल्स हो चुके थे. ठीक है, और वो जो ओल्ड डॉग था कोई और था, उसका डॉग वॉल्फ नहीं था. रिप वेंट इनसाइड द हाउस, वो उस घर के अंदर गया फिर भी. इट वॉज एम्प्टी एंड डर्टी, बहुत ही गंदा हो चुका था और बहुत ही यू नो खाली था, बिल्कुल खाली था, कोई नहीं रहता था वहां पे. अब He called his wife and children. उसने अपने बच्चों को आवाज दी, अपनी वाइफ को आवाज दी. Nobody was there, but कोई भी वहां नहीं था. Rip went quickly to his favorite inn. Now let's see what is inn. See, inn. I-N-N means hotel. With restaurant means होटल, लेकिन बड़ा होटल नहीं, इन मतलब छोटा सा लॉज, यानी कि छोटा सा होटल जहां पे रेस्टोरेंट होता है. ठीक है, जिसके बाहर जाके अक्सर, आपको याद है ना कल पढ़ा था, अक्सर वो बाहर, जिसके बाहर जाके बेंच पे वो बैठा करता था अपने दोस्तों के साथ, वो वहां गया. When he came there, जो वो वहां आया, the old inn was no longer there. वहां पे उसने देखा वो इन यानी कि वो होटल तो वहां था ही नहीं अब. बट देयर वॉज अ बिग न्यू बिल्डिंग इंस्टेड, बट वहां पे एक बड़ी सी नई बिल्डिंग बन चुकी थी. विद नाइस विंडोज एंड अ साइन अबव द डोर, द यूनियन होटल. वहां पे एक बड़ी बिल्डिंग बन चुकी थी, वहां पे बहुत अच्छी विंडोज थी और एक वहां पे साइन था जैसे होटल्स के सामने ऊपर होता है ना होटल्स के, कि मतलब नेम लिखा होता है, तो वहां पे भी एक साइन था जिस पे लिखा था डोर के ऊपर द यूनियन होटल. इन फ्रंट ऑफ द होटल देयर वाज अ स्टैचू ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन. वहां पे होटल के सामने एक स्टैचू था जॉर्ज वॉशिंगटन का, लाइक दिस वन. ऑलराइट, देन रिप वैन विंकल्स strange clothes and his rusty rifle. I'm reading on the next page. Rip Van Winkle's strange clothes and his rusty rifle attracted the attention of the people. Means, अब Rip Van Winkle तो अजीब लग रहा था बहुत, उसके अजीब से clothes, उसकी बेकार सी मतलब रस्टी हुई भी खराब हुई भी rifle ने लोगों की attention grab की, मतलब अब वो अलग सा लग रहा था, लोग उसे देखने लगे ये कौन है. देन सून दे केम क्लोजर टू हिम, फिर जल्दी ही उसको अजनबी जैसा लग रहा था, उसको देख के सब लोग उसके पास आने लगे. द मेयर, डू यू नो द मीनिंग ऑफ मेयर?
Mayor means the leader. The leader of the group of the people, the leader of the city, the leader of the town or a village. जो सबको लीड करता है, जिसको हम इलेक्ट वोट दे के इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं, जिनको हम जिसको हम चुनते हैं. ठीक है, तो जो आपका मेयर था वो आया, विलेज का मेयर आया उस रिप के पास एंड उसको बोला हु आर यू एंड बी केयरफुल विद दिस चैप्टर विद दिस चैप्टर एंड विद दिस वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ आपको. किसने किससे कहा, हिंदी में करते हैं ना, तो ऐसे ही हम इंग्लिश में करेंगे. हु सेड दिस सेंटेंस टू हूम like that. So the mayor of the village came, mayor aaya aur usne rip ko kaha who are you, usse pucha tum kaun ho, do you want to cause a riot in my village, what do you mean by riot, riot, riot. Riot means riot means hangama kar dena, ladai karwana, अपने लड़ाई दंगा वायलेंस. ऑलराइट, ओ राइट मींस होता है वायलेंस. अब उसने कहा कि क्या तुम मेरे गांव में आए हो ये राइफल लेके लड़ाई दंगा करवाना है तुम्हें, मतलब यहाँ पे हंगामा करवाना है आपको, ऐसा पूछा. तो वो बोला रिप नो, नहीं नहीं, मतलब रोने लगा लाइक परेशान होके, नो क्राइड रिप, I'm a poor, quiet man. मैं एक बहुत गरीब बेचारा शांत आदमी हूँ. I belong to this village. मैं इस गांव का हूँ. I'm loyal to the king. मैं इस यहाँ के राजा के लिए बिल्कुल लॉयल हूँ. God bless him. मतलब वो उनको कहने लगा कि मैं आपके लिए लॉयल हूँ, मैं इसी गांव का हूँ. God bless you. मतलब उसको मेयर को God bless कर रहा था, king को, राजा को. ठीक है, A spy shouted the people. Next para. A spy shouted the people means लोग वहां के चिल्लाने लगे. अभी मेयर इतनी देर में बात ही कर रहा था रिप से कि तुम कौन हो, और रिप बता रहा था कि मैं तो बेचारा एक शांत आदमी हूँ, मैं इसी गांव का था, मैं किसी को कोई हार्म नहीं करूंगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं लॉयल हूँ, इतने में बता ही रहा था. इतने में गांव के आसपास के लोग जो थे वो आ गए, उन्हें लगा कि ये ऐसा बूढ़ा सा ओल्ड सा आदमी जो अपने हाथ में राइफल लेकर आया, कहीं ये स्पाई तो नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय स्पाई, स्पाई मींस अ पर्सन हु कलेक्ट सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द अदर कंट्री, और वी कैन से जो छानबीन करने आते हैं, जो जासूसी करने आते हैं, चुप चुप के देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, फिर मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर देने वाले. राइट, तो अब लोग चिल्लाने लगे ये एक स्पाई है, ये जासूस है, कोई जासूस है, खुफिया जासूस है, अरेस्ट हिम, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको अरेस्ट कर लो. ये कौन कह रहा था, मार्क माय वर्ड्स, ये कौन कह रहा था, ये सब गांव के लोग कह रहे थे. मेयर ने नहीं कहा था, मेयर ने सिर्फ इतना पूछा था कि तुम कौन हो, और उसके बाद लोग चिल्ला रहे थे कि ये जासूस है, खुफिया, ये स्पाई है, इसको पकड़ो. हु आर यू लुकिंग फॉर, ये सेंटेंस किसने कहा, आस्क द मेयर, हु आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसको देख रहे हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो, ये किसने कहा, मेयर ने, मेयर ने पूछा अब ये कि हु आर यू लुकिंग फॉर. आई एम लुकिंग फॉर माई नेबर, आई रेफर्स टू हियर, आई रेफर किसको करते हैं यहाँ पे, रिप को, क्योंकि रेयर रिप से पूछा था ना मेयर ने कि तुम किसको ढूंढ रहे हो. अब रिप आंसर दे रहा है, आई एम लुकिंग फॉर माई नेबर, मैं अपने नेबर को ढूंढ रहा हूँ, मतलब अपने पड़ोसी को, जिसका नाम था निक द स्वेदर. राइट, Nick the sweater. Everybody was quiet. सब चुप हो गए. Then nobody knew Nick the sweater. कोई भी नहीं जानता था Nick the sweater को. And then an old man said. फिर एक बूढ़े आदमी ने कहा. Oh yes, Nick the sweater. He died 18 years ago. उसने कहा वो तो 18 साल पहले मर चुके थे. Where's Brom? Butcher. Now Rip again asked. Rip ने फिर से पूछा किसी और के बारे में. Brom butcher कहाँ है? He went to war. Some people say. मतलब कुछ लोगों ने फिर कहा कि वो तो जंग पे गया था, लड़ाई पे गया था. Some people say he died in the battle of Stony Point in 1779. फिर कुछ लोगों ने बताया कि वो तो जंग पे गया था और वो मर चुका है जंग में, लड़ाई में,
स्टनी पॉइंट जो जंग हुई थी, जैसे नेम नेम दे देते ना हम अपने यहाँ वॉर्स जो भी होते उनका एक नेम होता है, तो स्टनी पॉइंट कोई वॉर हुआ था 1779 में, वो तो तभी मर चुका था. एंड वैन डुमेल, वेयर इज वैन डुमेल, अब ये कहाँ है, उसने फिर पूछा कि वैन डुमेल कहाँ है. द स्कूल मास्टर, जो स्कूल के टीचर हुआ करते थे, ही वेंट टू वॉर टू. There's a difference. You know the difference between TO2 and TOO2, right? TO2 and TOO2 में बहुत difference होता है. इसका मतलब होता है कि भी मतलब कि वो भी वॉर पे गया था. Now he is in the Congress. All right. Does nobody here know Rip Van Winkle? क्या कोई भी नहीं जानता Rip Van Winkle को? Cried Rip. Desperately, मतलब वो बिल्कुल होपलेस हो गया, ना उम्मीद हो गया कि क्या Rip Van Winkle को कोई भी नहीं जानता. उसने इतने सारे नेबर्स का नेम लिया, कोई भी किसी को नहीं जानता, मतलब सब चले गए, सब मर गए. जिनको वो जानता था उसने उन सबके नेम पूछे कि वो लोग मुझे जानते हैं, अब वो लोग सब मर चुके हैं या जा चुके हैं, तो क्या यहाँ पे और कोई भी नहीं बचा कि जो Rip Van Winkle को जानता हो. वो बहुत परेशान हो गया. उसने ये सब नेम्स इसीलिए पूछे थे क्योंकि सब अनजान लग रहे थे उसको, और जिनको वो जानता था पर्सनली इतने अच्छे से, उनके नेम लेके उसने सबसे पूछा कि ये लोग कहाँ हैं. अब वो लोग सब मर चुके थे, तो ये परेशान हो गया कि क्या यहाँ पे Rip Van Winkle को कोई भी नहीं जानता. देन ओह Rip Van Winkle, अब ये सोचो ये किसने कहा होगा. देयर ही इज, एंड द ओल्ड मैन पॉइंटेड टू अ मैन स्टैंडिंग बाय अ ट्री, मींस ध्यान से पढ़ो. ओह Rip Van Winkle, अब जब वो रो रहा था इतनी देर में Rip Van Winkle कि क्या मुझे कोई भी नहीं जानता यहाँ पे, तो इतनी देर में किसी बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा Rip Van Winkle वो रहा, देयर ही इज. उस बूढ़े आदमी ने एक आदमी की तरफ पॉइंट आउट किया, मतलब पॉइंट आउट करना मतलब इशारे से कहा कि वो रहा Rip Van Winkle जो पेड़ के आसपास खड़ा है, पेड़ के pointed to a man standing by a tree, पेड़ के एक ट्री के आसपास खड़ा है एक आदमी, उसकी तरफ पॉइंट आउट करके एक बूढ़े आदमी ने कहा कि वो रहा Rip Van Winkle. Rip looked at him, फिर Rip ने उसकी तरफ देखा कि कौन है. He was very similar to him. अब वो सोच रहा है, मतलब वो बिल्कुल उसके जैसा लग रहा था. Next paragraph. And who are you? फिर उस बूढ़े आदमी ने जिसने एक बंदे की तरफ मतलब ऐसे पॉइंट आउट किया था, उसने पूछा Rip Winkle से, तुम कौन हो? Asked the old man. I am somebody else. अब जब उसने Rip Van Winkle के बारे में पूछा, अब जो वो खुद है, लेकिन किसी ने कहा, किसी बूढ़े आदमी ने कि वो तो वो रहा. एक नेम से बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, लेकिन इसको तो कोई नहीं पहचान रहा था. फिर इससे पूछा गया कि तुम कौन हो, फिर अगर ये बता देता कि मैं Rip Van Winkle हूँ तो कोई भी सब इसको पागल समझते, कुछ कहता, कोई कुछ कह देता, तो इसलिए चुप हो गया कि मैं कोई और हूँ, ऐसे बोला इसने. देन आई वॉज माई सेल्फ यस्टरडे, नाउ आई एम समबडी एल्स, मतलब परेशान हो गया उसने कहा, कल की ही तो बात है. आई वॉज माई सेल्फ यस्टरडे, मैं कल मैं था, आज मैं कोई और हूँ. अब उसी ने ऐसे बोल रहा है कि मैं कल कोई और था, आज मैं कोई और हूँ, तो सब इसको बेवकूफ समझेंगे ना, पागल समझेंगे. यस्टरडे आई वेंट टू द माउंटेन्स, अब वो बता रहा है कल की तो बात है, कल मैं माउंटेन्स पे गया था. जिस टाइम पे ईयर जो था, मतलब जो साल था वो कौन सा था, 1759, द ईयर वॉज 1759. टूडे आई एम बैक एंड डोंट रिकोगनाइज एनीबडी, और आज कल मैं गया था माउंटेन्स पे, तो तब तो ईयर था 1759, आज मैं वापस आया हूँ, कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा है, और मैं भी किसी को नहीं पहचान पा रहा हूँ. माई क्लोथ्स आर ओल्ड एंड माई राइफल रस्टी, मेरे कपड़े भी इतने पुराने हो चुके हैं, मेरी राइफल भी खराब हो चुकी है, ऐसे कैसे हो सकता है. ओह यस 1759, फिर किसी ने कहा, अच्छा 1759. पीपल लुक्ड एट ईच अदर, लोगों ने बोला अच्छा 1759. फिर लोग इधर उधर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और उसके बाद एंड टैप्ड
their foreheads, मतलब फिर उन्होंने ऐसे किया, means उनको लगा ये तो बेवकूफ है, ये पागल है कोई, इसके ब्रेन में मतलब ये थोड़ा प्रॉब्लम में है, तो इसलिए उन्होंने लगा कि इसके साथ बात करके कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे को देख के वो ऐसे करने लगे, उन्होंने अपने फोरहेड पे ऐसे टैप किया मतलब जोर से। देन दे बिगन टू बी अफ्रेड, फिर वो डरने लगे ये सोचकर, दिस फूल कुड हर्ट समबडी, ये बेवकूफ, ये पागल आदमी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है ना, क्योंकि ये 1759 की बात कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। दे सेड, मतलब कौन, किसने कहा, दे सेड, दे बिलोंग्स टू हेयर, यस, विलेज पीपल। नेक्स्ट पैराग्राफ, पिप वैन विंकल ट्राइड डेस्परेटली टू कन्विंस द पीपल दैट ही वॉज अ रिस्पेक्टेबल मैन हु बिलोंग टू देयर विलेज। पिप वैन विंकल ने बहुत ही डेस्परेटली, बहुत ही उम्मीद लगा के, बहुत ही पूरी तरह से अपनी जान लगा के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की कि वो एक अच्छा इंसान है, एक रिस्पेक्ट वाला इंसान है, जो इसी गांव का था, इसी गांव का है। ही केप्ट टेलिंग देम दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज फैमिली, वो उनको बोलता रहा लगातार कि मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रहा हूँ, एंड दैट ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो वॉट हैपेंड टू हिम His dog and his rifle। वो लोगों को लगातार बोलता रहा मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, मेरी राइफल को क्या हुआ है, मेरे डॉग को क्या हुआ है, वो कहाँ चला गया है। वो बोलता रहा, लोगों को पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता रहा कि मैं यहाँ का ही हूँ। नेक्स्ट पेज, अ चाइल्ड इन अ वुमेन्स आर्म बिगेन टू क्राई। लुक एट दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट एक बीबी है एक लेडी के हाथ में, वो रोने लगा, फिर सब लोग उसे देखने लगे। हश, द मैन वोंट हर्ट एनीबॉडी, जैसे अब वो बेबी रोने लगा तो वो लेडी अपने बेटे को या अपने बेबी को चुप कराने लगी, चुप हो जाओ, ये आदमी किसी को कुछ नहीं करेगा, किसी को हर्ट नहीं करेगा, जैसे मम्मा करती है ना। द टोन ऑफ हर वॉइस वॉज फॉमिलियर टू रिप, जो आवाज थी उस लेडी ही वो बिल्कुल सिमिलर लग रही थी, फमिलियर मींस सिमिलर, सेम कुछ मिली जुली लग रही थी रिप से। व्हाट्स योर नेम, ही आस्क्ड, ही हु इज ही हियर, रिप वैन विंकल, ही कौन है यहाँ पे, रिप वैन विंकल, उसने पूछा उस लेडी से तुम्हारा नेम क्या है। देन शी रिप्लाइड, हु रिप्लाइड, यस दैट लेडी, उसने बोला जुडिथ गार्डिनियर, मेरा नाम जुडिथ गार्डनियर है। शी रिप्लाइड, एंड योर फादर्स नेम, और तुम्हारे फादर का नेम क्या है। अह पुअर मैन, रिप वैन विंकल वॉज हिज नेम, वो बोली मेरे पापा, उनका नाम रिप वैन विंकल था, बट 20 years ago ही लेफ्ट होम एंड नेवर रिटर्न्ड, उसने कहा कि लेकिन वो 20 साल पहले हंटिंग के लिए गए थे, उन्होंने घर छोड़कर हंटिंग के लिए गए थे, बट कभी आए ही नहीं वापस। Nobody knows what happened to him, कोई भी नहीं जानता कि उनको क्या हुआ, कहाँ गए। Maybe the Indians killed him, उसने बोला शायद इंडियंस ने उनको मार दिया। I was a little girl, मैं बहुत छोटी बच्ची थी तब जब वो चले गए थे, when he went away। एंड वेयर इज योर मदर, फिर उसने पूछा उसी आदमी ने, मतलब रिप ने पूछा तुम्हारी मदर कहाँ है, वेयर इज शी, शी इज डेड, शी इज डेड, किसने कहा होगा, यस जो लेडी थी जिसने अपने बेबी को होल्ड किया हुआ था, जिसने अपना नेम बताया था जुडिथ गार्डनियर, उसने कहा कि वो मर चुकी हैं। कौन मर चुकी हैं, उसकी मम्मा, यानी कि रिप वैन विंकल ने जिसके बारे में पूछा था, उसकी मदर के बारे में, वो मर चुकी है। Now Rip couldn't hold his tears. अब Rip रोने लगा पूरी तरह से, वो अपने tears को control नहीं कर पाया। I am Rip Van Winkle, मैं ही Rip Van Winkle हूँ, like this वो कहने लगा। I am your father, मैं तुम्हारा father हूँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। Don't you recognize me? तुमने मुझे पहचाना नहीं? Everybody looked amazed, means surprised. सबके सब shock हो गए, सबके सब surprised हो गए। What is this? एकदम ऐसे कैसे? किसी अनजान आदमी से अभी तक हम बात कर रहे हैं, उसको पहचान तक नहीं पा रहे हैं वो कौन है, और अब वो अचानक कह रहा है कि मैं रिप वैन विंकल हूँ। देन अ वेरी ओल्ड वुमन केम क्लोजर एंड लुक्ड लॉन्ग एट हिम, फिर वो जो ओल्ड वुमन थी वो उसके पास आई और उसको देखने लगी अच्छे से।
Yes, it is Rip Van Winkle, she said. फिर उसी ने बोला उस old lady ने कि हाँ यही Rip Van Winkle है. Where have you been so long? इतने time से आप कहाँ थे? Rip Van Winkle told them his story. फिर Rip Van Winkle ने अपनी story उन सबको सुनाई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था. मैं कल ही तो गया था mountain पे और ऐसे ऐसे हुआ, लोग मिले, मैंने drink कर ली, मैं सो गया, उठ के आ रहा हूँ तो आज का दिन है ये, जो कि मेरे लिए तो एक ही दिन का टाइम है और आप लोग कह रहे हो कि इस बात को 20 years हो चुके हैं. They called a historian and asked him if it was true that Cotswold Mountains are haunted by strange people. Historian means, उन्होंने फिर एक हिस्टोरियन को बुलाया जो हिस्ट्री जानता था, इतिहास जानता होगा, या किसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाया होगा. उन्होंने बोला उसको, उससे पूछा कि क्या ये सच है कि यार ये जो हमारे यहाँ माउंटेन्स हैं जिनको जिसका नेम है, व्हाट इज द नेम ऑफ माउंटेन, कॉट्सविल्ड माउंटेन्स, तो ये जो हमारे कॉट्सविल्ड माउंटेन्स हैं ये हॉन्टेड बाय स्ट्रेंज पीपल, मतलब इसको इस पे क्या कुछ अनजान लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जहाँ पे भूत रहते हैं, घोस्ट रहते हैं, हॉन्टेड मतलब डरावना है ये, क्या कॉट्सविल्ड माउंटेन पे जाना नहीं चाहिए, मतलब ये भूतिया है. तो ही टोल्ड देम दैट the legend says they come back every 20 years, means फिर उसने उन लोगों को बताया कि पुराने लोग कहते हैं, सब कहते हैं कि वो लोग सब जब वहां जाते हैं और उसके बाद वहां से कब वापस आते हैं, 20 years बाद वापस आ पाते हैं. Rip went to live with his daughter. फिर Rip चला गया अपनी बेटी के साथ जिससे वो बातचीत कर रहा था थोड़ी देर पहले कि मैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी मम्मा कहाँ है वगैरह वगैरह, उसके साथ वो उसकी बेटी थी ना, तो वो उसके साथ चला गया रहने के लिए. एंड अगेन ही स्टार्टेड टू डू थिंग्स दैट ही डिड 20 years ago. फिर से वो वही चीज़ें करने लगा जो पहले करता था, 20 years पहले करता था. ही सैट ऑन अ बेंच इन फ्रंट ऑफ एन इन एंड टॉक्ड टू अदर ओल्ड मैन ऑन द विलेज. फिर से वो अपनी वही बेंच पे बैठ कर पुराने लोग, अपने ओल्ड जो अपने साथ के एज के बूढ़े लोग थे, उनसे गांव के जो अपने साथ के लोग थे उनके साथ बातचीत करने लगा, उनसे बातें करने लगा पहले की तरह. बस इस बार वो उस होटल के बाहर बैठ के बातें करने लगा. Rip told his story to every traveler. जो भी वहां से आता जाता चलता फिरता जो भी होता था मिलता था उसको, वो सबको अपनी अपनी स्टोरी सुनाने लगा. Who stopped by the village? जो भी आता था बाहर से भी या गांव में, जो भी मिलता था उसको, सबको वो अपनी स्टोरी सुनाने लगा. And even today, यहाँ तक कि आज भी, people sometimes hear strange thunder over the Cotswold Mountains. मतलब यहाँ तक कि आज के टाइम में भी, आज भी, मतलब ये बता रहे हैं स्टोरी में कि आज भी लोगों को वहाँ से कुछ strange आवाजें आती हैं. कहाँ से? Cotswold Mountains से. So we have done the story. Now about the author. Who is the author of this chapter? ये lesson किसने लिखा है आपके? Washington Irving was an American. Washington Irving ने लिखा है, जो कि एक American थे, यानी कि अमेरिका के ही थे. उन्होंने ये story लिखी थी Birmingham में, यानी कि England में. England में एक city है Birmingham, वहाँ पे उन्होंने ये story लिखी थी और publish की थी 1819 में, और थे वो अमेरिकन. और राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको लर्न करना है. आई होप द चैप्टर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. मतलब बहुत ही सिंपल स्टोरी थी. एक मैन थी जो कि Rip Van Winkle, जो एक गांव में रहता था जिसका नेम क्या था, डच. जिस गांव का नेम था, विलेज का नेम था डच. कहाँ पे? अमेरिका में. वो कुछ नहीं करता था अपनी लिविंग के लिए, सिंपल ऐसे ही रहता था, लोगों से बातें करता था, बच्चों को स्टोरी सुनाता था घोस्ट वगैरह की, लोगों की हेल्प करता था फेंसिंग में, ये वो, टूल्स रिपेयर करने में. अपने घर के लिए कुछ नहीं करता था, फार्मिंग नहीं करता था, अपने पास लैंड थी फिर भी. एंड देन ही यूज टू लेफ्ट फॉर द माउंटेन, दैट्स माउंटेन नेम इज कॉट्सविल्ड. फिर वहाँ पे वो हंटिंग करने गया, लेकिन वहाँ कुछ देर रह गया, कुछ लोग मिले, ड्वार्फ बोलते हैं उनको, जो छोटी हाइट के होते हैं, वो लोग बैरल में एक लिक्विड लेके घूम रहे थे, उनकी हेल्प की. फिर वहाँ गया उनके साथ, वो लोग स्केटल्स खेल रहे थे, उसको देखा, उन लोगों को देखने के बाद उनके साथ ये भी बैठ के खेलने लगा, इसने ड्रिंक कर ली एंड देन सो गया. फिर नेक्स्ट डे जब उठ के वापस आया तो उसने क्या देखा कि तो इतना सब कुछ पुराना हो चुका है, एक दिन की बात थी बट ये सब कुछ 20 years old आगे आ गया है. सब बूढ़े हो चुके थे, जो ये जिन लोगों को जानता था वो लोग नहीं मिले, वो लोग मर चुके थे अपने नेबर्स को. उसकी वाइफ भी मर चुकी थी, उसकी बेटी थी, उसका भी बेबी था,
एंड देन वो उसको फाइनली पहचान चुकी थी कि हाँ रिपन विंकल आप मेरे फादर हो, और फिर वो उसके साथ चला गया रहने और वहाँ पे फिर जाके लोगों को अपनी अपनी स्टोरी सुनाने लगा। फिर से वो वैसे ही जिंदगी जीने लगा जैसे वो 20 ईयर्स पहले रहता था, कुछ काम नहीं करता था, बस वो अपने होटल के बाहर रहने लगा। उस होटल के बाहर जहाँ पे पहले था होटल, वहीं पे जाके बाहर बेंच पे बैठ के लोगों के साथ बातें करने लगा, जो भी आते फिरते चलता फिरता इंसान जो भी मिलता था सबको अपनी स्टोरी सुनाने लगा। सो दिस वॉज अ चैप्टर, आई थिंक it's quite interesting and a simple chapter and you may enjoyed it and I have enjoyed it really well. So finally we have done the chapter and for today it's enough and we will meet you, I'll meet you soon with the it's question answers, it's make sentences, word meanings and all. So till then keep studying, keep watching, and yes, if you have not purchased the book, so just hurry up, purchase the books and then continue with your studies properly. So I'll meet you soon with the next video. Till then, bye bye, stay safe, stay home, take care.